मनुष्य अंतरिक्ष के रहस्यों को शोध रहा है और चंद्रमा की छाती पर चल आया है, पर पृथ्वी के कई रहस्य अब भी रहस्य ही हैं, जैसे डंगाला का लंबा चौड़ा जंगल, गिने चुने लोगों को ही उसकी जानकारी थी। बीच में बीहड़ वन, जिसके जहरी बांदार बौने से जंगल वाले भी डरते थे। एक स्थल ऐसा था जहां बांदार भी डरते थे, वह था गुफा प्रदेश, गुफा का राक्षस। सुनो कहानी। पुरातत्व शास्त्रियों का दल शोध करने गुफा प्रदेश आया। जंगल वाले गुफा में जाने को राजी नहीं है। इन्हें डर क्यों और कैसा? दुरांगी सिरों के शिकारी तो डर जाते ही नहीं। दुरांगी, गुफा से क्यों डरते हो? अंदर मौत है, चले जाओ, अंदर मौत। कहते हैं अंदर मौत है, पता नहीं क्या। डॉक्टर ग्राहम, इनकी बात माननी चाहिए। बकवास है, हम शोध करने आए हैं, तुम डरते हो। जोन्स, तो मैं अकेला चला जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। कहते हैं अब तक कोई अंदर नहीं गया है। तो इन्हें कैसे मालूम कि अंदर कोई डर है? गए तो हैं, पर कोई लौटा नहीं है। निरी मूर्खता है। कब तक ठहरना होगा? क्यों ठहरे, वे लौटेंगे नहीं। अभी तक तो कोई डर नहीं है। सब ठीक ही है डॉक्टर ग्राहम। जोन्स, दीवारों पर ये चित्र गुफा वासियों के बनाए हुए हैं। क्या हुआ? उसने पिस्तौल पर अपना हाथ रखा। बचाओ! अंधेरे से कोई बड़ा डरा डरा कहां बचाओ? ओ नहीं, बचाओ! ओ नहीं! हाँ, वो यहां से जल्दी। डंगाला समाचार, विख्यात वैज्ञानिक गुफा में लापता, रहस्यपूर्ण दुर्घटना, राष्ट्र संघ के पुरातत्व विशारद। दोनों जाने माने वैज्ञानिक हैं, उन्हें खोजना ही होगा। पूछताछ की जा रही है। डंगाला के राष्ट्रपति लुआगा को कहलवाया है। हमारी सीमा के बाहर गश्ती दस्ते से कहो कर्नल वोरोगू। खेद है, हमारे क्षेत्र के बाहर है। ग्राम और जोन्स ऐसी जगह लापता हुए जहां कोई मदद नहीं मिल सकती। डॉक्टर कर्क को बुलाओ, वे चिकित्सा दल लेकर गए थे। डॉक्टर कर्क, डंगाला में कैसे उन्हें खोजें? वहां एक मिस्टर वॉकर है, पहले भी उसने मदद की है। उसका पूरा नाम और पता? मुझे तो नहीं पता, हमारे यहां डायना पामर है, उसे मालूम होगा। डायना पामर को भेजो। लापता वैज्ञानिकों को खोजने के लिए डॉक्टर कर्क ने मिस्टर वॉकर का सुझाव दिया है, तुम जानती हो उसे? हाँ, अच्छी तरह जानती हूं। उससे संपर्क कैसे करें? डॉक से संपर्क करना कठिन है, खुद जाओ तो बस किसी को जाना चाहिए। पामर को ही भेजें। ठीक है, तुम तुरंत जाओ पामा। तुम्हारे मिलने का जुगाड़ हो गया। धन्यवाद तुम्हें। हाँ, भेजना है मिस्टर वॉकर को, बॉक्स नंबर 7। ओह, विमान जाने में केवल आधा घंटा। गुड बाय मम्मा।
पहुंच ही गई। वॉक 7 में कुछ थार है? पापा, तार पेताल का तार यानी फ्राका के लिए काम। फ्राका पेताल का तेज बाज। दोनों की कोई खबर नहीं। अंतिम बार उन्हें 2 दिन हुए कुहासा पर्वत की गुफा में जाते देखा गया था। कर्नल वोरोबू से बात कराओ, जंगल गश्ती सेना। कर्नल वोरोबू, फोन एक्स बैंड पर आपसे बात करनी है। कर्नल, गुफा प्रदेश में जो 2 आदमी खो गए हैं उन्हें खोजा क्या? जी नहीं, राष्ट्रपति ने फोन किया था, राष्ट्रसंघ ने पूछताछ तो की है पर हमारी सीमा के परे है। ठीक है। चाचा वाकर, कहां जा रहे हो? गुफा प्रदेश रेक्स, 2 आदमी लापता है। मैं भी। अरे फ्राका आया। डायना आ रही है। डायना पामर, आपका विमान तैयार है। धन्यवाद। कहां आपको जाना है यह मुझे नहीं बताया मिस पामर। मैं बताती हूं। पूर्व में 2 घंटे इस खेत में उतरो। क्या कहती हैं? पूर्व में 2 घंटे उड़ने के बाद बेताल शिखर नामक पर्वत। जंगल का बीचों बीच है ये। शांति हो, उतर गए ना आसानी से। हाँ, अब क्या? अब कुछ नहीं, तुम लौट जाओ। मिस पामर, यह खतरनाक जगह है, शेर चीते। शांति हो। तो ठहरो नहीं यहीं आपके लिए। बिल्कुल नहीं, लौट जाओ। धन्यवाद, नमस्कार। सिर फिर गया है इसका। अच्छा हुआ जो लौट गया, जब तक वह रहता मेरी ताल सामने ना आता। उसे मेरा तार न मिला हो तो ये तो सोचा ही नहीं। उफ, लगता है जैसे मैंने मूर्खता की, बहुत जल्दी ही आगा पीछा सोचे बिना चली आई। समझ लिया, तार मिल जाएगा और वो आ जाएगा। हो झाड़ियों में कौन है? शेर चीता। आओ प्यारा शेरा, सुंदर प्यारा शेरा। अकेले आया है, वो कहाँ है? यहाँ। खुश नहीं हो मुझे देखकर? जरूर हूँ डायना, पर तुम हो मूर्ख। जंगल में अकेले इंतजार कर रही हो मेरा? तुम्हारा तार ना मिला होता तो मैं कहीं गया हुआ होता तो। मुझे पता था तुम यहीं होगे और आओगे। राष्ट्रसंघ ने मुझे भेजा है मिस्टर वॉकर से मिलने, लापता वैज्ञानिकों का पता लगाने को। आप सहायता करेंगे मिस्टर वॉकर? संयोग देखो, तुम्हारा तार मिला तब मैं उनकी तलाश में निकलने वाला ही था। तुम्हें पता होता तो इतनी दूर ना आना पड़ता तुम्हें। मैं खुश हूँ कि पता ना था। खुश मैं भी हूँ। चलो भीगना पड़ेगा। ठीक है। डायना, डायना, सब तुम्हारे इंतजार में। हेलो रेक्स गुरन, निस्तगामा, लगता है जैसे घर आई हूँ। बाद में। मैं तैयार हूँ। तो चलें? गुफाओं में चलेंगे पहले। पहले बस इस गाइड से बात करेंगे जो वैज्ञानिकों को वहां ले गया था। ग्रहम और जोन्स को तुम ले गए थे? हाँ विताल। उन्हें गुफाओं में छोड़ क्यों आए? हमने गुफाओं में जाने को मना किया था। तिरांगी ने भी चेतावनी दी थी। चेतावनी काहे की? खतरे की गुफा के अंदर। कैसा खतरा? हमने उनकी चीखें सुनी तो रुके नहीं पता लगाने को। हमें ग्राहम और जोन्स को खोजने गुफा प्रदेश जाना है। हमारे साथ चलकर बताओ कहां तुमने उन्हें छोड़ा। मैं फिर चलूं वहां? हंसी कर रहे हो क्या? गाइड को जाने दोगे? हाँ, साथ लिया तो मुसीबत ज्यादा करेगा, काम कम।
गाइड के बिना गुफाओं में ग्राम और जोन्स को खोजेंगे कैसे? तिरंगे भी तो थे वहाँ, वे हमारे मित्र हैं, शायद मदद करें। जो कभी सिर काटते थे, अजीब मित्र। हमारा सौभाग्य जो तुम आए मित्र। तुम्हारे कुछ लोग गोरों के साथ गए थे? गुफा प्रदेश में हमने गोरों को मना किया था, वे माने ही नहीं। गुफा प्रदेश क्या है? मौत, जो अंदर जाता है वापस नहीं आता, और कुछ पता नहीं। मैं गया था गोरों के साथ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धन्यवाद। यहां वे अंदर गए। जगह डरावनी है। मुझे तुम दोनों की तरफ से भी डर है, तुम गुफा में गए तो। वे इनके देश के ही हैं, हमें खोजना ही है। हम लोग तुमसे स्नेह करते हैं, तुम अंदर मत जाओ, अंदर मौत है। ये क्या कहता है? गुफा में जाने को मना करता है, कहता है अंदर खतरा है। शायद सही हो, तुम बाहर ही ठहरो। मैं बाहर ठहरने को नहीं आई, यहाँ तुम्हारे साथ सुरक्षित रहूंगी। ये मेरे पास टॉर्च भी है, देखो। अच्छा, ऐसा क्या खतरा है यहाँ? शायद कुछ भी नहीं, मन का डर। तो ग्राम और जोन्स शायद भटक गए, खड्ड खाई में गिर गए। ग्राम जोन्स, ग्राम जोन्स। देखो चित्र बच्ची। पानी में छपा खा हो। शेरा का ध्यान नहीं गया, मछली हो या कोई। मैं गुफा में आगे जाता हूँ डायना, तुम यहीं ठहरो। मुझे साथ ले चलो। मैं पहले जांच कर लूं, फिर तुम्हें ले जाऊं। ठीक है। पता नहीं कितनी गहरी है। शेरा ने क्या देखा पानी में? गुफा में और गहरे। अब तक सब ठीक है शेरा। अचानक अंधेरे से घने बाल बड़ा चीजें। बड़े बालदार चंगा लगा। उधर नीचे कुछ दिखता है, अंदर कुछ मछली। चमगादड़ बड़े बड़े डायना वाले खाऊं खाऊं। डायना ना, डायना डायना कहाँ चली गई? मैम बाहर आई क्या? नहीं तो महाबली, तुमने कोई आवाज सुनी? तुम्हारी पुकारते हुए। डायना आंख मचाली मत खेलो, तुम कहां हो? कढ़ाया पानी उछला है, इसमें गिर गई लगता है। रोशनी डूब गई? नहीं, डाइविंग की चैंपियन जो है वह खुद अंदर गई है, उधर रोशनी भी है। उसकी टॉर्च तो नहीं दिखती, यहां नहीं दिखती। देखता न वे ताल दिखता है न उसकी मेन, वे भी यहाँ शिकार हो गए। वे ताल और मेन साहब दोनों गुफा में गए थे, सो गए। स्वामी भक्त शेरा ने इंतजार किया, फिर खोजने चला। कहीं पता नहीं, डायना की टॉर्च। अजीब रोशनी है उधर। वह तैरता हुआ जल के अंदर आगे चला। कहां का है ये रास्ता? वह क्या, आगे सुरंग दिखती है, चट्टान से अनोखी रोशनी, रंगीन रोशनी। डायना कुंड में नहीं थी, तैर के इधर ही आई होगी, तो सुरंग के भीतर गई। कोई चीज उधर चल रही है, बालदार चीज। शेरा तू आ पहुंचा। लगता है सुरंग बनाई गई है। कुछ दिखता है शेरा? डायना यहां आई है, उसका रुमाल। डायना, सुरंग एक विशाल गुफा तक जाती थी, इतनी बड़ी। वह क्या है यह? शेरा ठहर, विश्वास नहीं होता।
ठहर शेरा। लेकिन शेरा चढ़ा, संभल कर शेरा, दांत तेज होंगे, डायनासोर के बच्चे नहीं बड़ी उम्र के, पर बौने बड़े खिलंदड़ हैं बौने डायनासोर, किसे पता था ऐसे जीव अभी भी हैं। डायना यहीं कहीं होगी, डायना बचाओ बचाओ, आवाज डायना की नहीं है पर कोई बचाओ बचाओ। डायना तुम हो क्या, मैं आ रहा हूं, अभी आता हूं। आए ही समझो चट्टाने किसने जमाई है यहां। ओ तुम कौन हो? तुम ग्राहम और जोन्स हो जिन्हें खोजने हम आए हैं, तुम मिल गए। तुम जो भी हो शुक्र है कि तुम हो। हम डर रहे थे वह होगा। वह कौन? हुफा राक्षस। मैं और डायना पामर तुम्हें खोजने आए हैं, तुमने उसे देखा? औरत कोई नहीं देखी। कितना समय बीत गया हमें यहां? एक सप्ताह से लापता हो। लगता था वर्षों बीत गए। गुफा राक्षस कैसा है वो? शब्दों में नहीं बता सकते, तुम आप देख लोगे। ये बौने खोला गुफा राक्षस के खिलौने जैसे हैं। खिलौने? करोड़ों वर्ष पहले के विशालकाय डायनासोर के बौने संस्करण। हमारा मत है कि चट्टान के विकिरण ने इन्हें यह विकृत रूप दिया। यह अनोखी रोशनी भी उसी की है। हाँ, हमारा विचार है विकिरण ने ही विकृत जीव पैदा किया, गुफा राक्षस। वही हमें पानी में खींच कर लाया, वही हमें खाना देता है, कच्ची मछली आदि। उफ, पता नहीं हमें खिलौना बनाएगा या अपना भोग। तुम जिस स्त्री को खोज रहे हो उसे भी खींच लाया होगा, और यही लाएगा। खिलौने भागे अपने मालिक के पास आ रहा है गुफा राक्षस। एक ही है या और भी? हमने एक ही देखा है, वही बहुत है। देखो कैसे खेल रहा है खिलौनों से। डायना ठहरो, यही हमें उस तक ले जाएगा। गुस्से में है, हम दिखे जो नहीं। देखो कैसे 500 पाउंड भारी चट्टान उठाकर फेंकी। डायना वह बेहोश है। ठहरो, यह इसे दोहरा रहा है अपने खिलौनों की तरह। इसे मारना मत, डायना का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यह वैज्ञानिक अचूबा है, अपनी तरह का अकेला हुआ करे। हाँ। धीरे शेरा, आहिस्ता से उठो डायना। तुम जो भी हो बहुत बड़े। राक्षस ने क्रोध में झपट कर उसे अपनी चकड़ में ले लिया। तुम्हारी कमर तोड़ देगा। तोड़ने नहीं दूंगा, उसने राक्षस पर प्रहार किया। राक्षस हिचकिचाया, नहीं तोड़ने दूंगा। पेताल की मार से घबराकर राक्षस पीछे हटा। उसने बड़ी सी चट्टान उखाड़ी। हथियारों को अब यूं भी जानता है। खूब है ये, उसे मारना मत, एक ही है। कह नहीं सकता। गुफा में गोली पेट की गोली की तरह गूंज उठी। भयानक आवाज से घबरा कर गुफा राक्षस इधर उधर भागने लगा, और बौने डायनासोर उसके पीछे पीछे। मार गया? पता नहीं। मर गया? हाँ। मैं तुम्हारे लिए डर रहा था, क्या था अंदर?
चौथा अब नहीं है। भारी है, ये क्या है? किसी प्राचीन युग का जीव है, अपनी जाति का अंतिम प्राणी, यहां का वासी। इन नन्हे डायनासोरों और इस राक्षस से तहलका मच जाएगा, पर इसे ले जाने के लिए और आदमी लाने होंगे। यह सुलझा गुफा प्रदेश का रहस्य।